यूपी के मुरादाबाद में मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में बच्ची के इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है, जिसको लेकर बच्ची के परिजनों ने सीएमओ कार्यालय पर हंगामा खड़ा कर दिया। एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था, वो अनुसूचित जाति की बच्ची थी, 8 साल की बच्ची थी। अभी पकड़े गए हैं, लेकिन पकड़े गए पर धारा 376 डी भी बनती है, 12 साल से छोटी बच्ची थी, लेकिन ये 376 डी लगाई है, उसमें बी नहीं लगाई गई है। दूसरी बात यह है, पीड़ित पक्ष को सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति का एक्ट है, तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा नहीं मिला। और अभी यह बच्ची भर्ती है, अभी स्वास्थ्य नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, उसके बावजूद वहाँ के अधिकार डॉक्टर लोग हैं, वो तुरंत उसके बच्चे के बाप से जबरदस्ती हस्ताक्षर करके उसे बाहर निकाल लें। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और अभी हमारी ये भी मांग है कि फास्टेक कोर्ट में जाकर जल्द से जल्द इस बच्ची के बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। अच्छा, अब कहाँ आए थे आप? अभी हम सीएमओ से महोदय से मिल रहा है, हम सीएमएस के जो वहाँ पे बच्ची के साथ मतलब की उसकी बीमारी में थोड़ा ढिलाई बरती जा रही है, उसके बारे में बताए जा रहे हैं, लेकिन सीएमओ महोदय यहाँ सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई यहाँ अधिकारी सुनने को तैयार है, तो किससे कहें। तो आपने प्रदर्शन भी कराया? प्रदर्शन हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन देकर आया है, और अभी सीएमओ महोदय को हम बताने आए, लेकिन सीएमओ महोदय ऊपर बैठी हुई है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हम किसके पास जाएं? और ठीक है, नहीं मैंने देखी, इनकी समस्या सुन ली है और इनकी समस्या का समाधान हो गया। मैं हर समय 24 घंटे किसी की भी कोई समस्या है, मैं उसका निदान करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है।